हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पाइसी टॉपिंग्स। आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल एग करी। रेस्टोरेंट में जैसी बनती है बिल्कुल सेम मेथड में आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, और मेरे रेसिपी में एक सीक्रेट ट्रिक भी छुपी हुई है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए एग करी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अंडों को ऐसे चाकू से चीरा लगा लेंगे ताकि मसाला जो है वो अंदर तक जाए। फिर इन पर थोड़ी हल्दी, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। एक बाउल में मैंने 5 टेबलस्पून दही लिया है। दही में मैं सब मसाले डाल दूंगी, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। दही में मसाले ऐड करने से जल्दी पकते हैं और अच्छा टेस्ट भी आता है, और यही ट्रिक है रेस्टोरेंट वाले अंडा करी की। हम अब इसे साइड में रख देंगे। अब एक कढ़ाई में तेल लेंगे 2 टेबलस्पून, फिर उसमें रफली चॉप्ड ऑनियन डाल देंगे, ऑनियन को अच्छे से थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने देंगे, फिर उसमें डाल देंगे 7 से 8 लहसुन की कलियां, फिर डालेंगे 3 से 4 अदरक के टुकड़े, 2 मिर्चियाँ डाल देंगे। सब अच्छे से पकने के बाद इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। एक मिक्सर के जार में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसकी पेस्ट बना लेंगे। उसी कढ़ाई में मैं एग्स थोड़े फ्राई कर लूँगी, गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर लेना है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब ये एग्स को निकाल कर अब हम करी बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 1/2 टेबलस्पून तेल लेंगे, क्योंकि कढ़ाई में पहले से ही 1/2 टेबलस्पून तेल था, इसलिए मैं 1/2 टेबलस्पून ही ले रही हूँ। अब मैं इसमें 2 तेज़पत्ता डालूँगी, 1 स्टारफुल डालूँगी, 1 हरी इलायची ऐसे तोड़कर, 2 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर दूँगी। इन सबको हमें अच्छे से भूनना है। अब हम ऑनियन की पेस्ट डाल देंगे और अच्छे से पका लेंगे। जैसे कि हमने दही में भी मसाले डाल लिए थे, आपको और स्पाइसी बनाना हो तो आप थोड़े मसाले इस स्टेज पर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डालूँगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब मैं डाल दूंगी 3 टीस्पून सॉल्ट, जैसे ही मसाले में ऑयल साइड पर दिखने लगे तो हमें गैस ऑफ कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर ऑयल साइड में आ गया है। मसाले को थोड़ा ठंडा कर लेंगे हम। अगर दही गरम मसालों में ही ऐड करेंगे तो दही फट सकता है, तो मसाले अच्छे से ठंडे होने देंगे
दो मिनट बाद थोड़ा ठंडा होने पर मैं ऐड करूँगी इसमें दही। यही असली ट्रिक है रेस्टोरेंट वाले एग करी की। तो मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। अभी तक मैंने गैस ऑन नहीं किया है। दही को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है, तभी गैस ऑन करना है। अब मैं गैस ऑन करूँगी और थोड़ा ठंडा पानी ऐड कर लूँगी। कंसिस्टेंसी चेक करके पानी ऐड करना है। थोड़ी देर ढककर एक उबाल आने तक पकाना है। इस पर मैं धनिया और कसूरी मेथी डाल दूंगी। और रेडी है हमारी डिलीशियस अंडा करी। आप इसे चपाती रोटी के साथ सर्व कीजिए। देखिए कितनी टेम्पटिंग दिख रही है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक किए बिना मत जाना। मेरे चैनल पर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना। ऐसी ही टेम्पटिंग रेसिपीज के साथ मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। खाते रहिए और खिलाते रहिए। बाय बाय।